मीन्स आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी जानकारी के साथ दोस्तों, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को कि त्वचा पर काफ़ी खाज खुजली की शिकायत हो जाती है या फिर बहुत दाने निकल आते हैं और स्किन काफ़ी जो है एकदम धूप में जाती है, एकदम रेड हो जाती है, दाने नज़र आने लगते हैं रेड छोटे छोटे, या फिर पिंपल्स की शिकायत है, किसी को एक्ने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, या फिर खुजली होती है बहुत ज़्यादा, या किसी को बहुत ज़्यादा जो है ड्राइनेस की वजह से काफ़ी दाने निकल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मेरे ये जो टिप्स हैं ये आपको एकदम हेल्थी स्किन देने में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी त्वचा को काफ़ी लंबे समय तक जवान और बहुत ही यूथफुल बनाए रखने में हेल्प करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तो ये कि अगर मान लीजिए आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुजली की शिकायत है, तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो गई हो, सबसे पहला तो ये, ठीक है। इसके अलावा या फिर आपने जब हम अपने त्वचा की अच्छे से केयर नहीं करते हैं, स्किन को अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, तो उस वजह से दाने निकलना, मुहासे निकलना, दाग धब्बे हो जाना, कालापन, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। तो अपनी त्वचा की आपको प्रॉपर देखभाल ज़रूर करनी चाहिए अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन एकदम यूथफुल रहे, एकदम ब्राइट दिखे, काफ़ी एकदम बिना मेकअप के आप बहुत खूबसूरत दिखें। तो सबसे पहले आपको रेगुलर रात को सोने से पहले, सुबह के टाइम अपने स्किन को आप डेली उसकी देखभाल कीजिए। देखभाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम देखभाल नहीं करते हैं तो तभी ये सारे प्रॉब्लम शुरू होती हैं, ठीक है। इसके अलावा या फिर हम बहुत सा ऑयली फूड्स का सेवन कर रहे हैं, बहुत सा जंक फूड्स का सेवन कर रहे हैं, तली भुनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, अपने खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस वजह से हमारी त्वचा बहुत डल होने लगती है, बेजान हो जाती है, मुरझा जाती है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए ही अपनी स्किन को एकदम ब्राइट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी स्किन जवां बनेगी, तभी खूबसूरत बनेगी, जी नहीं। अगर आप अपने खान पान का भी ध्यान रख लेते हैं अकेले और अपनी स्किन का अच्छे से केयर करते हैं तो आप बिना किसी प्रोडक्ट के ही, बिना किसी मेकअप के अपनी त्वचा को बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही यूथफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अपने खान पान का, एक्सरसाइज कीजिए। आप भी एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को तो फ़ायदा होता ही है, साथ ही हमारे बाल और हमारी त्वचा को भी इससे पूरा पूरा फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बहुत दाने निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, या फिर आपकी चेहरा जो एकदम मुरझा सा गया, डल है, तो इसके और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। पेट की गड़बड़ होने की वजह से जो है चेहरे की जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पेट साफ नहीं है, पेट में किसी तरह की गड़बड़ है, तो उसका सीधा सीधा आपके चेहरे पर ज़रूर दिखेगा। चेहरे पर दाने निकल आते हैं, मुहासे नज़र आने लगते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, बहुत खुजली होती है, रेडनेस आ जाती है, और जो है या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने फेस पर केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वजह से भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते हैं, गोरे होने वाली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐड देख लिया टीवी पर और बस शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये कि गोरे होने की होड़ में मत लगिए, वरना आप क्या करेंगे, आपकी जो स्किन है हेल्थी स्किन, आप उसको भी खो देंगे। अक्सर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि गोरे होने के लिए या फिर उन्हें कोई भी दाने वगैरह निकल आते हैं तो कोई भी उन्हें सजेस्ट कर देता है कि आप ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, तो बस बिना किसी भी एडवाइस लिए हुए बस ऐसे ही कोई भी क्रीम लगा लेते हैं आप अपने फेस पर, तो उससे आप अपनी त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि बाजार में जो भी गोरे होने वाली क्रीम्स होती हैं उनमें काफ़ी स्टेराइड होता है जो कि हमारी त्वचा को नुकसान पहुँचाता है, मतलब आपके फेस पर जो भी आपकी जो त्वचा है उसको काफ़ी पतला कर देता है। और जब हमारी त्वचा पतली हो जाती है तो हम जैसे धूप में जाते हैं ना, तो हमारी स्किन एकदम रेड हो जाती है, दाने निकलने लगते हैं और आए दिन जो है दाने उस पर निकलने लगते हैं। हम कोई भी ट्रीटमेंट करें तो एक दो दिन के लिए ठीक हो जाता है, या फिर हम दवा ले लें तो एक दो दिन के लिए ठीक हो जाता है, बट उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, आपकी स्किन जो है कोई भी क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करने से काफ़ी पतली हो गई है और आपको रेडनेस, दाने निकलने की शिकायत है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक घरेलू नुस्खा शेयर करूंगी, आप उसको इस्तेमाल करके देखिए। तो आपकी स्किन अगर पतली हुई है, दाने निकलते हैं, धूप में जाने की वजह से रेडनेस हो रही है, काफ़ी सनबर्न हो जाता है और काफ़ी खुजली होती रहती है, काफ़ी इचिंग होती रहती है, तो ये आपको इस समस्या से दूर रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई भी आपको स्टीरॉयड क्रीम से आपकी त्वचा को नुकसान पहुँचा है, तो आप क्या कीजिए, एलोवेरा लीफ लीजिए, ताज़ा एलोवेरा की आपको पत्ती लेनी है, आप उस पत्ती को लेकर सबसे पहले काट के रख दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हम एलोवेरा की ताज़ा पत्ती काटते हैं तो उसमें से एक चिपचिपा पीला पदार्थ निकलता है जिसको हम
जो कि दोस्तों हमारी त्वचा के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है। तो आपको क्या करना है, पत्ती काट के 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए, और जब उसका वो पीला पदार्थ निकल जाए उसके बाद आप उस पार्ट को चाकू की मदद से अलग कर दीजिए हल्का सा, और उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए। फिर आपको क्या करना है, साइड से कांटे निकाल कर इसका जेल निकाल लीजिए, और आपको जेल निकालने के बाद क्या करना है, इसमें आप ऐड कीजिए एक विटामिन ई का कैप्सूल। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप इसको अपने फेस पर रोज डेली रात को सोने से पहले अप्लाई कीजिए। दोस्तों इसको अप्लाई करने से क्या हुआ, आपकी जो स्किन पतली हो गई है, सबसे पहले तो ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, उसको हेल्थी बनाएगा, ठीक है। तो आपको क्या, जो भी इसको धूप में जाने से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, दाने निकल रहे हैं, खुजली की शिकायत है, तो उन सबको बिल्कुल ठीक कर देगा। और आपको क्या करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें होती है थोड़ा टाइम लेती है, बट आपको परमानेंट और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने में आपकी हेल्प करेंगी। और आप ढेर सारा पानी पीजिए। इसके अलावा आप जो है आग से, धूप से, और जो जैसे कि आप काम कर रहे हैं गैस पर या चूल्हे पर, तो उसकी लौ से अपने चेहरे को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि लौ जब लगती है तो उससे चेहरे पर जो है काफ़ी रेडनेस आ जाती है, दाने निकलने लगते हैं, खुजली होने लगती है, तो ये समस्या आपको नहीं होगी। तो जब तक आपको ये समस्या है तब तक आप रोज डेली आपको क्या करना है, एलोवेरा और विटामिन ई का कैप्सूल, ये दोनों का मिश्रण बना के आपको रोज डेली फ्रेश बनाना है, फ्रेश आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो आप इसे 2-3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, फिर आप इसको रोज डेली इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि हफ्ते भर तक आप इसको बना के रख लें तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप इसका फ्रेश बनाकर ही इस्तेमाल करें। तो आपको क्या करना, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब हमारी त्वचा इन सारी चीज़ों से ख़राब हो जाती है ना, केमिकल प्रोडक्ट वगैरह का इस्तेमाल करने से, केमिकल प्रोडक्ट वगैरह का इस्तेमाल करने से जब स्किन बहुत पतली हो जाती है स्टेरॉइड क्रीम से, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब इस तरह से हमारी स्किन को नुकसान पहुंचता है तो उसे रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, करीबन आपको 2-3 महीने लग सकते हैं। वैसे तो 1.5-2 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, बट आपको रोज डेली करना है। आपकी त्वचा अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसी आपकी त्वचा बन जाए, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ आपको इन सारे टिप्स को फॉलो करना है। और पानी आपको ढेर सारा पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी आप डेली पीजिए, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बस इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी त्वचा बहुत हेल्दी बनेगी, ग्लोइंग बनेगी, और पहले जैसी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो ये तो मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इतनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।